एक ऐसी फिल्म जिसने पहली बार मराठी सिनेमा को ऑस्कर की एंट्री तक पहुंचाया। एक दादा का अपने पोते के लिए किया गया ऐसा काम जो इस मूवी को सभी बॉलीवुड मूवी से आगे ऑस्कर तक ले गया। और इतना ही नहीं, ये देखिए वो अवार्ड्स जो इस मूवी को हासिल हुए। और इसके बाद इंडियन सिनेमा ने भी दुनिया को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इससे ज्यादा मैं इस मूवी के बारे में कुछ और नहीं कहूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आप सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी मूवीज को ढूंढना और फिर आप तक पहुंचाना ही मेरा काम है। मूवी की शुरुआत में हम मुंबई का एक क्लिनिक देखते हैं, जिसमें डॉक्टर साने अपने मरीज को देख रहे होते हैं। आज बहुत सारे पेशेंट्स होने की वजह से डॉक्टर साने बहुत थक जाते हैं, और ऊपर से उन्हें अपनी फैमिली के साथ डिनर पर भी जाना होता है। इसलिए वो अपनी रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछते हैं कि अभी कितने पेशेंट्स बाकी हैं। वो बताती है कि सर पेशेंट्स अब नहीं हैं, लेकिन कुछ एमआर लोग बैठे हुए हैं। ये सुनकर डॉक्टर साने कहते हैं कि उनसे कहो कि आज डॉक्टर साहब टाइम नहीं दे पाएंगे, वो लोग कल आएं। रिसेप्शनिस्ट ये बात एमआर से कह देती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। ठीक इसी मोमेंट पर एक पेशेंट क्लिनिक में आता है और डॉक्टर से मिलने के लिए कहता है। वहीं डॉक्टर साने को घर निकलना था, इसलिए वो जल्दी से अपने एक कलीग से एक सीरियस पेशेंट को लेकर बात कर रहे होते हैं। पर तभी वो बाहर से आ रही आवाज को सुन लेते हैं। वो बाहर फोन करके पूछते हैं कि क्या हुआ, तो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सर एक पेशेंट है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। डॉक्टर साने कहते हैं कि उनको बताओ क्लिनिक का टाइम खत्म हो गया है, इसलिए वो कल आएं। इतना कहकर डॉक्टर फोन रख देते हैं और तभी उनकी वाइफ का कॉल आ जाता है, जो डिनर के लिए उनका वेट कर रही थी। डॉक्टर साने कहते हैं कि मैं बस निकल रहा हूँ, लेकिन तभी उनको बाहर से फोन आता है कि पेशेंट जिद कर रहा है कि उसे आज ही आपसे मिलना है, क्योंकि वो बहुत दूर से आया है। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, उनको अंदर भेज दो। इसके बाद हम देखते हैं कि केशव राम नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने बच्चे के साथ डॉक्टर साने के केबिन में आता है। डॉक्टर पूछता है कि आप इतनी लेट आए हैं, क्लिनिक का टाइम पूरा हो चुका है। तो केशव राम कहता है कि सर रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हमारी बस लेट हो गई। इसके बाद केशव राम डॉक्टर को एक पर्चा देता है और बताता है कि हमारे शहर कोंकण में एक डॉक्टर रानाडे हैं, जिन्होंने बताया कि मुझे अपने पोते को आपको दिखाना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। डॉक्टर साने कहते हैं कि रानाडे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पर्चा देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि दिक्कत असल में उस बच्चे को है। वो पूछता है कि आप इसके दादाजी हैं, तो इसके पिता कहाँ हैं? आप इतनी दूर क्यों आए? केशव राम कहता है कि सर मेरा बेटा रोडवेज में कंडक्टर है, लेकिन पिछले साल एक एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि अब वो पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन फिर भी सारी चीजें मैं ही संभालता हूँ। डॉक्टर इसके बाद उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वो बच्चा पास आने में डरने लगता है, इसलिए डॉक्टर एक खिलौने को स्टार्ट कर देते हैं, जिससे खुश होकर वो बच्चा डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर साने पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? बच्चा बताता है कि मेरा नाम परशुराम है और घर पर सब मुझे परशा कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर पूछते हैं कि परशा बताओ, तुम्हें मेरा हाथ दिख रहा है? तो परशा कहता है हाँ। लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर हाथ दूर करते जाते हैं, वैसे वैसे परशा को दिखना बंद होने लगता है। डॉक्टर साने पूछते हैं कि स्कूल जाते हो परशा? तो वो कहता है कि नहीं, गुरुजी ने मेरी पिटाई लगाई। उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि मुझे बोर्ड पर कुछ दिख नहीं रहा। उन्हें लगता है कि मैं बहाने बना रहा हूँ ताकि मुझे पढ़ना ना पड़े। डॉक्टर परशा की मजबूरी समझते हैं और दादा से पूछते हैं कि इसको ये समस्या कब से है। तो केशव राम बताता है कि पिछले 3 महीनों से हमने नोटिस किया, उससे पहले इसने भी कुछ नहीं बताया। इस बीच परशा कहता है कि सर मेरा स्कूल पहाड़ी पर मंदिर के पास है। डॉक्टर कहता है कि लगता है इसे स्कूल से बहुत प्यार है। तो केशव राम कहता है कि सर ये बहुत होशियार है और जिद्दी भी, लेकिन ये आंखों की प्रॉब्लम इसकी पढ़ाई में बाधा डाल रही है। इस बीच डॉक्टर की वाइफ का फोन फिर से आने लगता है, तो वो उससे कह देता है कि तुम बच्चों को लेकर होटल पहुंचो, मैं सीधे वहीं आ जाऊंगा, क्योंकि अभी एक अर्जेंट पेशेंट आ गया है। तो डॉक्टर केशव राम से पूछते हैं कि आप कितने दिनों तक यहाँ हैं, क्योंकि हमें परशा के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और बाकी डॉक्टर से बात भी करनी पड़ेगी। ये सुनकर केशव राम घबरा कर पूछता है कि क्यों डॉक्टर साहब, कोई बड़ी दिक्कत है क्या? तो डॉक्टर साने कहते हैं कि दिक्कत बड़ी हो या छोटी, उसको ठीक करने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन बिना टेस्ट के कुछ भी करना मुश्किल है, इसलिए पहले हमें टेस्ट करवाने होंगे और उसके लिए आपको यहाँ कुछ दिनों तक रुकना होगा। केशव राम बताता है कि अभी वो रुकने के हिसाब से नहीं आया है। तो डॉक्टर साने कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप सोमवार को आना और फिर टेस्ट करवा लेना,
रिपोर्ट के हिसाब से 2 दिन के अंदर हम लोग विचार कर लेंगे, लेकिन उस दिन आप किसी को साथ लेकर आना। डॉक्टर की इन बातों से केशवराम को कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाता। फिर अगले सोमवार वो परशा के मामा के साथ टेस्ट करवाने के लिए वापस मुंबई आता है। टेस्ट करवाने से पहले रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उनसे पूछता है कि आपको पता है ना सिटी स्कैन और MRI की फीस कितनी है। तो केशवराम कहता है कि नहीं, हमें नहीं पता। तो वो बताता है कि दोनों मिलाकर 9,000 रुपए फीस है। तो क्या आपको ये टेस्ट करवाने हैं? केशवराम के लिए 9,000 रुपए 2 महीनों की कमाई के बराबर थे, लेकिन उसका पोता परशा उसकी जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा था, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ टेस्ट करवाने हैं, पैसे चाहे जितने हों। इसके बाद वो आदमी परशा के मामा को एक फॉर्म दे देता है और उसे भरने के लिए कहता है। वो कहता है कि फॉर्म भरने के बाद नीचे लिखी बातों को पढ़कर साइन कर देना और फॉर्म को जमा कर देना। अब फॉर्म भरने के बाद जब परशा का मामा उसको पढ़ने लगता है तो वो देखता है कि उसमें लिखा है कि टेस्ट के दौरान अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। ये पढ़कर वो और केशवराम सोचते हैं कि आखिर हम ऐसे कैसे साइन कर दें। इस बात को वो और लोगों से भी पूछते हैं। वो काउंटर पर खड़े आदमी से पूछते हैं, लेकिन सभी उनसे कहते हैं कि ये ऐसे ही लिखा है, बस साइन कर दो। वो दोनों खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि तभी एक लेडी वहाँ पर आ जाती है, जो ये देखती है कि साइन करने में दोनों को दिक्कत है। वो समझाती है कि बाबा ऐसे परेशान मत हो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो बुजुर्ग होते हैं, और ऐसा लिखना सरकार ने तय किया है, इसलिए आप साइन कर दो, बाकी सभी लोग भी साइन करते हैं, ये एक प्रोसेस है, और अगर आप साइन नहीं करोगे तो आपके पोते के टेस्ट कैसे होंगे और वो सही कैसा होगा। केशवराम पूछता है कि क्या आप डॉक्टर हो? तो वो कहती है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक मेडिकल सोशल वर्कर हूँ जो लोगों की इलाज और परामर्श की समस्या को हल करती हूँ। अगर आपको कभी कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे बताना, मेरा नाम आसावरी है। केशवराम को बात समझ में आ जाती है और वो असावरी को थैंक यू बोलकर साइन करके फॉर्म सबमिट कर देता है। इसके बाद परशा के सभी टेस्ट किए जाते हैं। इस दौरान परशा घबरा सा जाता है। टेस्ट के दौरान हमें दोनों दादा पोते के जीवन की झलक दिखाई जाती है, जिसको देखकर हमें ये पता चलता है कि केशवराम के जीवन में अपने पोते परशा की अहमियत सबसे ज्यादा है। दोनों एक दूसरे के दोस्त जैसे हैं और पूरे वक्त साथ रहते हैं। खैर अब टेस्ट हो जाते हैं तो केशवराम वहीं पर पूछने लगता है कि सब ठीक तो है ना? तो वो कहते हैं कि इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, आप रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर साने से मिलना, वही आपको बता पाएंगे। इसके बाद अगले दिन तीनों डॉक्टर साने के क्लिनिक में पहुंचते हैं, लेकिन रिसेप्शन पर बैठी लड़की कहती है कि आपको तो कल आना है, आप आज क्यों आ गए? केशवराम कहता है कि रिपोर्ट्स आज ही मिल गई मैडम, इसलिए मैं आज ही आ गया, मुझे डॉक्टर साहब से मिलवा दीजिए। लेकिन वो लड़की कहती है कि आपकी अपॉइंटमेंट कल की है और आज पहले से ही इतने पेशेंट्स हैं, इसलिए आज आपका मिलना नहीं हो पाएगा। केशवराम कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन आज आपका मिलना बहुत मुश्किल है। पर केशवराम फिर भी सीट पर जाकर बैठ जाता है और डॉक्टर के फ्री होने का वेट करने लगता है। इस बीच वो किसी के मुंह से सुन लेता है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे ऑन्को सर्जन हैं, इन्होंने बड़े बड़े कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया है। ये सुनकर केशवराम बहुत घबरा जाता है और परशा के मामा से पूछता है कि आखिर ये सर्जन का मतलब क्या होता है। तो वो बताता है कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उनको सर्जन बोलते हैं। फिर आधे घंटे बाद जब कुछ पेशेंट्स कम होने लगते हैं तो केशवराम उठकर आता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं अंदर जाऊं क्या? तो वो लड़की मना कर देती है। अब थोड़ी देर बाद जब वो देखती है कि परशा परेशान हो रहा है तो वो केशवराम से कहती है कि आपको रिपोर्ट्स दिखानी है ना, तो आप तैयार रहो, जब अगला पेशेंट आ जाए तो आप अंदर चले जाना। इसके बाद जब केशवराम रिपोर्ट्स लेकर अंदर जाता है तो डॉक्टर साने उन रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। वो कहते हैं कि बाबा आप कल आना, कल बैठकर बात करेंगे, क्योंकि आज मैं बिजी हूँ और परशा की रिपोर्ट्स मुझे और भी स्पेशलिस्ट को दिखानी होगी। केशवराम पूछता है कि साहब कोई गड़बड़ है क्या? तो डॉक्टर साने कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रिपोर्ट्स को ठीक से चेक करना है, इसलिए इसमें 1-2 दिन लगेंगे, आप कल आ जाना। जाते जाते केशवराम के अंदर बैठा डर डॉक्टर साहब से पूछता है कि साहब एक बात पूछनी है, ये ऑन्को सर्जन का मतलब क्या होता है? तो डॉक्टर कहते हैं कि आप कल आना, मैं कल आपको समझाऊंगा। इसके बाद तीनों वापस होटल चले जाते हैं और उस रात केशवराम को नींद नहीं आती। वो परशा के उन दिनों को याद करने लगता है जब उसे आंखों में परेशानी होना शुरू हुई थी। खैर अब अगले दिन केशवराम डॉक्टर के पास वापस आता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि हे भगवान मेरे पोते को कोई दिक्कत ना हो। उसकी बात डॉक्टर से शुरू होने ही वाली थी
कि तभी डॉक्टर साने को किसी का फोन आ जाता है और इतनी देर में हम देखते हैं कि असावरी भी उनके कैबिन में आ जाती है। असावरी और केशवराम एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जिसके बाद वो परशा के बारे में पूछती है। डॉक्टर नोटिस करता है कि असावरी केशवराम को जानती है, इसलिए वो पूछता है कि क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तो वो बताती है कि हम लोग सिटी स्कैन सेंटर पर मिले थे। अब असावरी बाहर जाने लगती है तो डॉक्टर कहता है कि असावरी तुम भी यहीं रुको, मुझे तुम्हारे सामने बाबा से कुछ बात करनी है। ये सुनकर केशवराम घबराने लगता है, लेकिन फिर भी अपने डर को छुपाए बैठा रहता है। अब डॉक्टर सबसे पहले उसके लिए चाय ऑर्डर करता है और कहता है कि बाबा एक बात याद रखो कि घबराने से कुछ होता नहीं, हर परिस्थिति को सामने से फेस करने के लिए तैयार रहो, इसलिए जो भी मैं कहने जा रहा हूँ उस पर ध्यान से सोच विचार करना। केशवराम कहता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन होना है ना, आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैंने गांव में बात कर ली है, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ ऑपरेशन तो होना है और पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज है जो आपको मालूम होना जरूरी है। असावरी भी डॉक्टर की बातों से समझने लगती है कि दिक्कत कोई बड़ी है। अब डॉक्टर बताता है कि बाबा हमें परशा की दोनों आंखों का ऑपरेशन करना होगा। केशवराम कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन परशा को देखने में कितना टाइम लगेगा? तो डॉक्टर कहता है कि बाबा परशा अब कभी देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आंखों को हमें बाहर निकालना होगा, उसके रेटिना में कैंसर है। ये सुनकर केशवराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। असावरी उसको सहारा देने आगे बढ़ती है, लेकिन डॉक्टर उसको इशारों से रोक लेता है और केशवराम को रोने देता है। ये इसलिए भी जरूरी है कि ताकि केशवराम खुद को इस सिचुएशन के लिए तैयार कर सके। वो रोते रोते पूछता है कि डॉक्टर साहब दूसरी आंखें लग सकती हैं क्या? तो डॉक्टर मना कर देता है, वो कहता है कि ये संभव नहीं है बाबा, बल्कि अभी कैंसर फर्स्ट स्टेज पर है, इसलिए ऑपरेशन से आंखें निकलने के बाद परशा बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन ये ऑपरेशन जल्दी करना होगा ताकि ये कैंसर उसके दिमाग तक ना पहुंच जाए। केशवराम का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। वो पूछता है डॉक्टर साहब क्या दूसरा कोई भी तरीका नहीं है? तो डॉक्टर कहता है कि बाबा ये लाखों में एक बार होने वाला केस है, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। केशवराम कहता है कि डॉक्टर साहब यही तो बात है, मेरा परशा भी लाखों में एक ही तो है। ये सुनकर डॉक्टर और असावरी भी चुप हो जाते हैं। इसके बाद केशवराम कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब आप आज ही ऑपरेशन कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं बाबा अभी आप पहले घर जाओ, अपने लोगों से बात करो और फिर वापस एक दो दिन में आ जाना। और हाँ एक बात याद रखना, नियम के हिसाब से किसी भी आदमी के शरीर का कोई अंग निकालने से पहले उसको बताना जरूरी है कि उसके साथ क्या होने वाला है, वरना ऑपरेशन के बाद पता चलने पर उसको शॉक भी लग सकता है, इसलिए आपको परशा को बताना होगा कि उसकी आंखें अब नहीं रहेंगी। ये सुनकर केशवराम टूट जाता है, वो कहता है कि इतना बड़ा बोझ आप मुझ पर मत डालिए, आप ही परशा को बता दीजिए। डॉक्टर कहता है कि ये काम आपको ही करना होगा बाबा, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, और याद रखो परशा को बचाने का यही तरीका है, इसलिए ये सोचो कि आप परशा की आंखों को तो खो रहे हो लेकिन परशा को पा रहे हो। ये सुनकर अब केशवराम बाहर चल देता है और असावरी भी उसके साथ बाहर आ जाती है। बाहर आकर केशवराम अपने पोते से नजर नहीं मिला पाता और एक तरफ खड़े होकर रोने लगता है। असावरी उसे समझाती है कि बाबा अगर आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, आप अपनी फैमिली से बात करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। असावरी ये बात समझा तो रही थी, लेकिन वो भी जानती थी कि ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके बाद होटल पहुंचकर केशवराम अपने गांव के पीसीओ पर कॉल करता है, जहां परशा की माँ फोन का वेट कर रही थी। वो पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। केशवराम बताता है कि सब ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर वो घबरा जाती है और कहती है कि किसी और डॉक्टर को दिखाइए, ये डॉक्टर कुछ नहीं जानता, मेरा इतना छोटा सा परशा ऑपरेशन कैसे झेलेगा। ये सुनकर अब केशवराम उसको सच नहीं बता पाता, वो कहता है कि ठीक है मैं देख लूंगा। इसके बाद परशा की माँ परशा से बात करती है, वो कहती है कि जल्दी ठीक होकर आ जाओ बेटा, यहाँ सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अब उस रात केशवराम सपना देखता है कि किस तरह वो अपने परशा के साथ समय बिताया करता था और वो परशा भी दादा के साथ हर जगह आया जाया करता था। इस बीच अचानक केशवराम की नींद खुल जाती है और वो रोते हुए कमरे से बाहर आ जाता है। ये देखकर परशा का मामा दिवाकर भी बाहर आकर पूछता है कि क्या बात है बाबा,
सब ठीक तो है? तो केशवराम कहता है कि परशा की माँ सही कह रही थी, हमें किसी और डॉक्टर को दिखाना होगा, मैं अपने पोते को ऐसे नहीं खो सकता। इसके बाद 2 दिन तक केशवराम हॉस्पिटल नहीं जाता और साथ में हिम्मत करके किसी और डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाता। फिर अगले दिन सड़क पर असावरी केशवराम को देख लेती है। वो पूछती है कि बाबा कहाँ जा रहे हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, घर वालों से बात हो गई, मैंने आपको फोन भी किया लेकिन आपने नहीं उठाया। केशव राम उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और चलता चला जाता है। असावरी फिर से पूछती है कि घर वालों को बता दिया आपने, तो वो कहता है कि हाँ थोड़ा सा बताया है। फिर वो पूछती है कि परशा को बता दिया, तो केशव राम कहता है कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, क्या हम किसी और डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। असावरी समझ जाती है कि क्यों केशवराम 3 दिन से हॉस्पिटल नहीं आया है। वो समझाती है कि बाबा जितनी देर करोगे उससे परशा की जान को खतरा बढ़ जाएगा, वो दिक्कत अगर उसके दिमाग तक पहुंच गई तो परेशानी बढ़ जाएगी। केशवराम कहता है कि मैं किसी और डॉक्टर से बात करूंगा, मैंने सोच लिया है। लेकिन असावरी कहती है कि बाबा जैसे परशा आपका पोता है और आप उससे जुड़े हुए हैं, ठीक मैं भी उससे जुड़ी हुई हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो 4 दिन अस्पताल में आपका इंतजार नहीं करती, इतने फोन नहीं करती, कल रात मैं होटल भी गई थी तो पता चला कि आपने होटल भी चेंज कर दिया, अब बताओ मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। आप ध्यान से सोचो, हमारे लिए परशा जरूरी है, बिना आँखों के भी लोग जिंदगी जीते हैं और आगे बढ़ते हैं, और देखना परशा भी ठीक हो जाएगा और अपनी दुनिया में आगे बढ़ जाएगा। केशवराम कहता है कि अच्छा बिना आँखों के वो आगे बढ़ पाएगा, तो असावरी कहती है कि हाँ बाबा हम लोग कोशिश करेंगे तो जरूर बढ़ पाएगा। तो केशवराम कहता है कि ठीक है 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और चलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये सुनकर असावरी चुप हो जाती है, वो समझ जाती है कि केशवराम इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि परशा की आंखों को निकालना ही आखिरी ऑप्शन है। लेकिन फिर भी वो कहती है कि ठीक है बाबा आप मुझे 2 दिन दो, मैं प्रैक्टिस करके चलकर दिखा दूंगी। तो केशवराम कहता है कि देखा ना 2 मिनट चलने के लिए तुमको 2 दिन प्रैक्टिस करनी होगी, और तुम कह रही हो कि मेरे पोते परशा को जिंदगी भर बिना आँखों के चलना है, तो सोचो वो कैसे ये सब कर पाएगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और असावरी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो दोनों अब परशा के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर असावरी परशा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। वो इस बात से नाराज था कि वहाँ खेल रहे बच्चे बार बार उसकी आँखों की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो ठीक से देख नहीं पा रहा था। अब गुस्सा करके वो भाग जाता है, तो केशवराम कहता है कि देखा तुमने ये किसी की नहीं सुनता और तुम कह रही हो कि मैं इसको सब बता दूं। असावरी कहती है कि बाबा अगर नहीं बताओगे तो वो जिंदगी भर दूसरों की वजह से गुस्सा ही रहेगा, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो कि उसके लिए क्या जरूरी है। ये सुनकर केशवराम ऊपर हाथ जोड़कर कहता है, हे शंकर महादेव मेरे जीवन भर की तपस्या का ये फल मत दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं। इसके बाद असावरी सीधा डॉक्टर साने के पास जाती है। वो कहती है कि सर आपसे परशा के बाबा मिलना चाहते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि आज मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूं, इसलिए उनको कल का बोल दो। असावरी कहती है कि सर कल छुट्टी है इसलिए आज बात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कहता है कि आज टाइम नहीं है, उनसे बोलो कि फिर वो मंडे को आएं। तो असावरी कहती है कि सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपसे बात नहीं हुई तो वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, और अगर किसी डॉक्टर ने उनको झूठी उम्मीद दे दी तो कहीं परशा की जान को खतरा ना हो जाए। तो डॉक्टर कहता है कि मैं उनको सब बता चुका हूँ, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। असावरी कहती है कि इसीलिए तो सर आपसे बोल रही हूँ, एक बार उनसे आज मिल लीजिए और उनसे बोलिए कि कोई रास्ता नहीं है, अगर देर की तो परशा की जान को खतरा हो जाएगा और कैसे भी करके उसकी आंखों को बचाया नहीं जा सकता। डॉक्टर कहता है कि आज नहीं, मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ये बोलकर डॉक्टर निकल ही रहे होते हैं कि तभी केशवराम उनके सामने आ जाता है। उसकी शक्ल देखकर डॉक्टर चाहते हुए भी वहाँ से नहीं जा पाते। वो केशवराम के पास आकर कहते हैं कि क्या हुआ बाबा आप ठीक हैं, आपने घर पर बात की? तो केशवराम इस बात का कोई जवाब नहीं देता। डॉक्टर समझ जाता है और कहता है कि बाबा मुझे असावरी ने अभी सब कुछ बताया, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, किसी की बातों में मत आना, मैं आपसे एक भी पैसे नहीं लूंगा, लेकिन सच में ऑपरेशन के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, और वो भी दोनों आँखों का। अगर तुम 1 महीने बाद मेरे पास आए तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो, परशा की जान पर ऑपरेशन से कोई खतरा नहीं है, बस तुम्हें एक बड़ा फैसला लेना है। ये सुनकर केशवराम समझ जाता है कि कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो पूछता है कि ऑपरेशन कब होना है डॉक्टर साहब। तो वो बताते हैं कि आप असावरी के साथ सोमवार को आ जाओ, मैं आपको सब बता दूंगा।
इसके बीच असावरी कहती है कि सर एक दिक्कत है, अभी तक परशा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो डॉक्टर कहता है कि उसे बताओ बाबा, उसको बताना जरूरी है, असावरी तुम बाबा की मदद करो। पर वो कहती है कि सर मैंने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। डॉक्टर कहते हैं कि मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ, आप दोनों मिलकर समझाओ, मेरे कहने से वो नहीं मानेगा, आपको ही उसे समझाना होगा। और ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। असावरी और केशव राम उस दिन पूरी कोशिश करते हैं लेकिन परशा से बात नहीं कर पाते, इसलिए वो दोनों फिर से डॉक्टर से मिलते हैं और उनसे मदद करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बाबा आप उसको बचपन से जानते हो, वो आपका पोता है, इसलिए आपको ही उसे समझाना होगा। तो केशव राम कहता है कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ और वो मेरा पोता है, इसीलिए तो मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब। डॉक्टर समझ जाते हैं कि अब उन्हें ही मदद करनी होगी। वो परशा को अपने पास बुलाते हैं तो परशा कहता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई कब दोगे, मैं दिन पर दिन देख नहीं पा रहा। ये सुनकर डॉक्टर असावरी से कहते हैं कि कल इनको लेकर मेरे घर पर आना, हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं। ये सुनकर केशव राम और असावरी खुश हो जाते हैं और अगले दिन दोनों परशा को लेकर डॉक्टर के घर पहुंच जाते हैं। केशव राम और दिवाकर बाहर बैठे रहते हैं जबकि असावरी और डॉक्टर साने परशा के साथ अंदर बात करने लगते हैं। पहले तो परशा बात नहीं करता लेकिन खिलौने देखकर वो धीरे धीरे डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल होने लगता है। खेल खेल में डॉक्टर उसको आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और उसके पास फूलों को लेकर आते हैं। वो पूछते हैं कि परशा बताओ मेरे हाथ में किसका फूल है, तो परशा नाक से स्मेल करके बता देता है कि ये गेंदे का फूल है। डॉक्टर कहते हैं अरे वाह असावरी, परशा तो बहुत होशियार है, देखो वो आंखें खोले बिना भी बता सकता है कि मैंने कौन सा फूल हाथ में लिया है। ये सुनकर परशा भी खुश हो जाता है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि असावरी तुम्हें पता है परशा हमें आंखें बंद करके भी पकड़ सकता है, क्या कहती हो, चलो एक खेल खेलते हैं, हम परशा की आंखों पर पट्टी बांधेंगे और फिर परशा हमें हमारी आवाज के सहारे पकड़ लेगा, क्यों परशा तुम खेलोगे ना। ये सुनकर परशा भी खेलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ये उसका बचपन का पसंदीदा खेल था। अब खेलते खेलते अचानक पता नहीं परशा को क्या होता है और वो एकदम से रुक जाता है। डॉक्टर और असावरी उसे आवाज देते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। पट्टी हटाकर डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम खेल क्यों नहीं रहे। परशा कहता है कि डॉक्टर साहब मैं अपनी आँखों से देख नहीं पाऊंगा ना। ये सुनकर डॉक्टर समझ जाते हैं कि उसे अंदाजा हो चुका है। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो परशा। तो परशा कहता है कि आप बार बार मुझे आंख बंद करने का बोल रहे थे, दादाजी भी बार बार मेरी आंखों के बारे में बात करके मामा के साथ में रोते रहते हैं, मैंने आप लोगों की बातों को सुना था, मैं देख नहीं पाऊंगा। डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, देख नहीं पाओगे तो क्या हुआ, बाकी काम तो सब कर पाओगे, देखो तुमने हमको पकड़ ही लिया था। परशा कहता है कि आप मुझे बहलाओ मत, बस मुझे ये बताओ कि आप मुझे दवा क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे ठीक होना है, स्कूल जाना है, मेरे दादाजी भी मेरी वजह से परेशान हैं। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि मैं दवा दूंगा लेकिन तुम घबराओ नहीं परशा, कोई बात नहीं अगर तुम नहीं देख सके, लेकिन तुम्हारी माँ बाबा और दादाजी तो तुम्हारे साथ होंगे ना। ये सुनकर परशा एकदम से रोने लगता है और उसका शक भी हकीकत में बदल जाता है। वो समझ जाता है कि वो सच में ऑपरेशन के बाद देख नहीं पाएगा, इसलिए वो सीधा दौड़कर अपने दादाजी के पास जाता है और दोनों मिलकर खूब रोने लगते हैं। आखिरकार केशवराम जिस बात से अब तक डर रहा था वो बात अब परशा को पता चल चुकी थी। उस दिन भर के बाद की रात को आखिर में केशवराम घर पर फोन करता है और सब कुछ सच सच बता देता है, जिसे सुनकर घर पर सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन परशा की माँ कहती है कि आप फिक्र मत करो बाबा, परशा को बस घर ले आओ, हम जिंदगी भर उसका साथ देंगे, उसको भविष्य के लिए तैयार करेंगे। वो जानती थी कि उसके मुंह से ये शब्द निकलना जरूरी है ताकि केशव राम के सर पर रखा बोझ थोड़ा कम हो सके। दोस्तों जितनी आसानी से और डिटेल में मैं इस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मूवी इमोशंस के हिसाब से उतनी ही गहरी है। कई जगह ऐसे सीन्स हैं जहाँ कई बार डायलॉग नहीं है लेकिन लोगों के चेहरे ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इसके बाद अगले दिन ही केशव राम परशा को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है जहां उसे बताया जाता है कि कल सुबह 7 बजे परशा का ऑपरेशन होगा, इसलिए रात को 12 बजे के बाद इसको कुछ भी खाने या पीने मत देना। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर साने भी वहां आ जाते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को साथ लाते हैं और दिखाते हैं कि ऐसे केसेस में किस तरह से काम किया जाता है। इस बीच वो परशा से कहते हैं कि परशा तुम उस दिन घर से भाग गए, अब बताओ ऑपरेशन के बाद तुम्हें क्या चाहिए, आइसक्रीम या चॉकलेट। तो परशा कहता है कि चॉकलेट, और ये सुनते ही डॉक्टर समझ जाते हैं कि परशा ने अपने हालातों को एक्सेप्ट कर लिया है
और वो अपने ऑपरेशन के लिए दिमागी तौर पर तैयार है। लेकिन इतने में डॉक्टर का भी परशा से अलग रिश्ता बन चुका था। वो मन ही मन इस बात से दुखी थे कि इतने छोटे बच्चे को इतना सफर करना पड़ रहा है। पीछे मुड़ते ही उन्हें चुपचाप खड़े केशवराम दिखते हैं, जो धीरे धीरे अपने आंसू बहा रहे थे। डॉक्टर उनके पास आते हैं और बिना कुछ कहे हाथ पकड़कर ये समझा जाता है कि ये वक्त हौसला रखने का है। उनको देखकर डॉक्टर भी इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद असावरी भी वहाँ आ जाती है, जो परशा के लिए कुछ खिलौने और टॉफीज लेकर आई थी। ये देखकर परशा भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके दादा दूसरी तरफ फेस करके रो रहे होते हैं। इसलिए वो एकदम से उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि बाबा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और मैं भी, लेकिन आज मुझे आखिरी बार आपकी आंखों में आंखें डालकर देखना है, क्योंकि अब जब भी आप गुस्सा करोगे तो मैं आपकी आंखों में देख नहीं पाऊंगा। ये सुनकर केशवराम की आंखें नम हो जाती हैं और वहीं परशा भी लगातार अपने दादा की आंखों में आंखें डालकर देखता रहता है। दोनों के बीच बिना कहे कई बातें होती हैं जो मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर, अब ऑपरेशन के पेपर्स तैयार किए जाते हैं और सुबह ऑपरेशन का वक्त आ जाता है, जिसके बाद परशा को लेकर केशवराम असावरी और दिवाकर ऊपर ऑपरेशन सेंटर तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां असावरी को पता चलता है कि एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन के लिए कोई अर्जेंट डॉक्टर्स आए हुए हैं, जिस वजह से आज की जगह परशा का ऑपरेशन कल सुबह के लिए स्केड्यूल कर दिया गया है। इसलिए अब सभी लोग परशा को वापस उसके वार्ड में ले आते हैं, जहां असावरी केशवराम को समझाती है कि बाबा ऐसा कभी कभी होता है, इसलिए फिक्र मत करो, बस एक दिन की बात है। परशा भी ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो सुबह से ही चुप था और कुछ भी बोल नहीं रहा था, इसलिए केशवराम भी उसको देखकर दुखी हुए जा रहे थे और ऊपर से एक दिन का इंतजार उनको भारी लग रहा था। इसके बाद परशा का रोना सभी पर भारी पड़ने लगता है। असावरी उसको समझाती है, दिवाकर समझाता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। काफी देर बाद जब केशवराम उसको समझाता है तो वो उसका हाथ काट लेता है, जिस वजह से गुस्से में केशवराम उसको एक थप्पड़ लगा देता है। लेकिन उसके फौरन बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो उसको गले से लगा लेता है, जिसके बाद परशा अचानक चुप हो जाता है। लेकिन ये शांति थोड़ी देर की ही थी, क्योंकि परशा का रोना धोना सामान फेंकना फिर से शुरू हो जाता है और अब केशवराम को समझ नहीं आता कि वो करे भी तो क्या करे। इसलिए वो दिवाकर को बाहर फल लेने भेज देता है और परशा के कान में कुछ कहकर उसे लेकर हॉस्पिटल से निकल पड़ता है। शायद जिस तरह आखिरी मोमेंट पर परशा का हौसला टूट रहा था, ठीक वैसे ही केशवराम भी अपना हौसला खो रहा था, इसलिए वो उसको लेकर निकल पड़ता है। इसके बाद जब दिवाकर आता है तो उसे दोनों में से कोई नहीं दिखता। थोड़ी देर वो वेट करता है ये सोचते हुए कि शायद वो बाथरूम में होंगे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फिर पूरा अस्पताल उन दोनों को ढूंढने लगता है। डॉक्टर अपने वार्ड बॉयज और नर्सेस पर गुस्सा करते हैं कि तुम लोगों का ध्यान कहाँ था। इसके बाद असावरी सभी जगहों पर फोन कर देती है ताकि सभी सोशल वर्कर्स उन दोनों को ढूंढ सकें। डॉक्टर वार्ड में आकर चेक करता है कि छतरी और बैग गायब हैं, जबकि सभी चीजें ऐसी ही रखी हुई हैं। इस बीच हॉस्पिटल में कुछ एक्सीडेंट केसेस आते हैं, जिनके साथ एक मीडिया वाला भी वहां आ जाता है। उसको पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में ये 6 महीने के अंदर 5वां केस है, जब कोई पेशेंट यहां से भाग गया है। इसलिए वो अपनी टीम को फोन कर देता है और मीडिया वाले देखते ही देखते हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर साने से सवाल जवाब करने लगते हैं कि आपका स्टाफ इतना ढीला कैसे हो सकता है, हर महीने कोई ना कोई पेशेंट यहां से भाग जाता है। डॉक्टर साने का दिमाग इस वक्त परशा के खोने से बहुत खराब था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशवराम ऐसा कुछ करेगा। इस दौरान सभी को पता चलता है कि हाल ही में धोती पहने हुए एक बूढ़े आदमी ने खुद को बस के सामने लाकर जान दे दी है। ये सुनकर सभी का माथा ठनक जाता है और फिर डॉक्टर साने एक आदमी को भेजते हैं ताकि उसकी पहचान हो सके, लेकिन उस टक्कर से उस आदमी का चेहरा खराब हो चुका था, इसलिए उसको पहचानना मुश्किल था। उधर डॉक्टर साने की मुसीबत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट वाले भी मीडिया को जवाब देते देते थक गए थे। निराश होकर डॉक्टर साने आज के सभी ऑपरेशंस को कैंसिल कर देते हैं और असावरी से कहते हैं कि तुम अपने लोगों से टच में रहो, मैं अपनी कार से जाता हूँ, शायद वो मुझे कहीं मिल जाएं। ऐसा कहकर वो अपनी कार में बैठ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें सामने से केशवराम और परशा दिखते हैं। उन्हें देखते ही वो उनकी तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि परशा के हाथ में कुछ खिलौने हैं और वो खेलते खेलते अपने दादा के साथ हॉस्पिटल की तरफ आ रहा है। पास आते ही वो गुस्से में केशवराम से कहते हैं कि आप लोगों के साथ कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन आप लोग कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। सुबह से पूरा अस्पताल आपको ढूंढ रहा है, मैं पागलों की तरह लगा हुआ हूं। मैंने 2 ऑपरेशन कैंसिल कर दिए और आप यहां वहां घूम रहे हैं। पुलिस और मीडिया वाले तक यहां आ गए
और अब देखो कोई नहीं दिख रहा, ताकि बता सकूं कि हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है, बल्कि आप ही खुद चले गए थे। जरा सोचिए, आपको कुछ हो जाता तो? मेरा दिमाग तो यही सोचकर खराब था कि आप कहीं कुछ कर ना लें। मैंने आपकी हर तरह से मदद की, लेकिन आप ये तो सोचो कि आपकी वजह से और लोगों की जान खतरे में आ सकती है। सभी कितना परेशान हैं। ये सुनकर केशवराम अपने हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूं डॉक्टर साहब, और आपके पैर भी छू लेता हूं। लेकिन आज सुबह जब ऑपरेशन को कैंसिल किया गया तो परशा रोने लगा। तब से लेकर वो 4 घंटे तक रोता रहा, इसलिए मैंने सोचा कि उसको बाहर ले जाता हूँ, उससे उसका दिमाग ठीक हो जाएगा और वो खुद को फिर से ऑपरेशन के लिए तैयार कर पाएगा। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, और जब कोई रास्ता नहीं होता तो वही करना चाहिए जो सही है। ये मुझे आपने ही बोला था जब मैं ऑपरेशन का फैसला नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर कहता है कि आप मुझे ये सब मत समझाइए, अगर आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है तो आप चले जाइए। मैं असावरी से कह देता हूँ कि यह ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये सुनकर पहली बार केशवराम को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब, एक बच्चा जो सुबह से ऑपरेशन के लिए तैयार था, वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? आपने सोचा? यही चीज उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और मैं इस चीज को समझ रहा था। आप मुझे बताइए, हॉस्पिटल में एक दिन और रहकर वो क्या करता? रोता, दवाइयों की खुशबू लेता, दूसरे पेशेंट्स को चिल्लाते हुए देखता, और या फिर इंजेक्शन लगवाकर सो जाता। लेकिन यही एक दिन वो क्या कर सकता था, वो मैंने उसको करवाया। वो कल से आसमान में उड़ रही चिड़िया नहीं देख पाएगा, रास्ते पर चलते घोड़े नहीं देख पाएगा, इसलिए उसको आखिरी बार मैं इस दुनिया के सामने ले गया, ताकि ऑपरेशन से पहले का डर उसके मन से निकल जाए। मैं उसको घुमाने ले गया, खिलाने ले गया, झूला झुलाने ले गया। उसके बाद मैं उसे उन बच्चों के पास ले गया जो उसके जैसे हैं, जैसा वो बनने वाला है, ताकि वो अपने आने वाले कल को देख सके। और ये सब करके आखिर में उसका मन शांत हो गया। वो समझ गया कि आने वाला कल उसके लिए कैसा होने वाला है। मैंने उसको वो सब दिखाया जो उसने आज तक नहीं देखा था, ताकि उसको कल मलाल ना रहे कि उसने वो चीजें नहीं देखी हैं। डॉक्टर ये सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और केशव राम की मजबूरी को भी समझ जाते हैं। आखिर में केशव राम कहते हैं कि डॉक्टर साहब, सबसे आखिरी में मैं परशा को लेकर मंदिर गया। वहाँ मैंने भोले बाबा को बोला कि अब सब कुछ आपके हाथ में है, आपने मुझे जो रास्ता दिखाया मैंने वही काम किया। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा और ना परशा को रोने दूंगा, इसलिए मुझे अनपढ़ गवार समझकर माफ कर दीजिए और कल परशा का ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि मैं गुस्से में ज्यादा बोल गया बाबा, चलो अंदर चलते हैं और कल परशा का ऑपरेशन करते हैं। लेकिन तभी जाते जाते अचानक डॉक्टर रुक जाते हैं और वापस आकर परशा को गोद में उठा लेते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि बाबा, ऑपरेशन कल नहीं, आज रात को होगा, मैं परशा का ऑपरेशन आज ही करूंगा, ताकि जो कुछ उसने आज देखा है उसे वो कभी ना भूले और उसके दिमाग में वो सब बना रहे, और उसके दिमाग में वो सब बना रहे जो आपने इसको आज दिखाया है। इसके बाद वो असावरी से कहते हैं कि परशा को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दो और इसके रूम में गुब्बारे और खिलौने लगा दो, इसका ऑपरेशन हम आज करेंगे। इसके बाद फाइनली रात को परशा का ऑपरेशन किया जाता है, जिसके 2 दिन बाद ही उसे वापस घर भेज दिया जाता है। घर पर जब वो नाव से जा रहा होता है तो दूर खड़ी माँ उसे निहार रही होती है, और बस यही इस शानदार मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अब मूवी को इतना एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि अब बोलने को कुछ रहा ही नहीं। बस अगर ये वीडियो और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।